हेलो जी, मेरे वालों तुहानू सारिया प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं बनाने जा रही हूँ चाप पलवाबदार। आओ तुहानू दिखाने की चाहिए चाप बनाने वास्ते। आपां चाहिए चाप, ग्रैंड किया हुआ अदरक लहसुन, ग्रैंड किया हुआ प्याज, चार प्याज लाए से आपां, एक कौली दही, चार ग्रैंड की हुई हरिया मिर्चा, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटिया हुआ मसाला, नमक, हल्दी। हुण आपां चलावांगे गैस, कढ़ाई में करा गरम, फिर पावे तेल। कढ़ाई हो गई गरम, हम आप पा देवे तेल। तेल हूँ पावे गरम, तेल हो गया गरम, हम आप पा देवे चांप। चांप में आप थोड़ा जहा फ्राई करा ब्राउन होने तक। चाप में हम आप पाट दिता, किन्नी देर तक चाप होंगी है उन्नी देर तक आप बनावे दही का मसाला। ये आप ले लिया दही एक कौली, अद्धा चम्मच में पा देंगे दही के नमक, हल्दी आप अपने हिसाब न पावे। ये पा देवे आप कुटिया हुआ मसाला, जीरा, काली मिर्च के धनिया। एक चम्मच आप पा देवे कश्मीरी लाल मिर्च। हम आप पा देवे हरी मिर्च, चंगी तरह कर लेना मिक्स। मसाला हो गया दही का तैयार, चांप हो गई ग्राउन, हम आप इन कढ़ लवेंगे। हम इसे तेल के आप चांप का तड़का तैयार करा। पहले आप पावे प्याज ग्रैंड किया हुआ, भुनावे चंगी तरह। प्याज भुज गए, हम आप पा देवे अदरक लहसुन, प्याज से अदरक लहसुन भुज गया। हम आप गैस कर देवे बंद, तड़के ने थोड़ा जहा ठंडा करके फिर आप पावे जो दही का बनाया मसाला। तड़का थोड़ा जहा ठंडा हो गया, हम आप पा देवे दही का मसाला। हम आप गैस चला देवे, एक गिलास आप पानी में पा देंगे। हम आप ग्रेवी को ढक के 5 मिनट वास्ते पकावे। ग्रेवी को आप 5 मिनट वास्ते पका लिया, हम आप पा देंगे बिच चांप जी आप फ्राई करके रखी थी। हम आप 5 मिनट वास्ते और पकावे चांप। चांप अपनी बन के हो गई है तैयार, हम आप एक चांप कढ़ के तुहानू दिखाने हैं।
देखो कितनी सॉफ्ट बनी है, देखो जी साड़ी चाप लबाबदार बन के हो गई है तैयार। जे तुहानू वीडियो चंगी लगी होवे वीडियो नू लाइक शेयर कमेंट सबसक्राइब बैल आइकन जरूर दबायो जी। मिलांगे तुहानू कल एक नवी वीडियो दे नाल, तद तक लई सति श्री अकाल।